जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट और मैं आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते होंगे और खुश हाल भी होंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे और जल्दी जल्दी हम अपने चैनल के ऊपर व्यूज़ और कमेंट्स भी लेके आएँ ताकि जल्दी जल्दी मैं उनके भी सारे पर रिव्यू किया करूँगा। कमेंट पर सारे अपने जो भी मुझे थोड़ा सा बहुत नॉलेज है क्रिकेट का मैं उस पर आपके साथ शेयर किया करूँगा और आपसे भी वो राय लिया करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उस पर हम प्रॉपर काम किया करेंगे, प्रॉपर वीडियो बनाया करेंगे। अच्छा छोड़ें इस बात को, अब इस बात पे आते हैं कि जो बड़ी बड़ी खबरें अभी निकल के थोड़ी देर पहले सामने आई हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने वो सारी बात की है जो फिक्सचर्स हैं पाकिस्तान के, और जो इसमें अभी इस पर दोबारा बात करते हैं जो अभी पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मैच है उस पर बात करेंगे। सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूँगा ज़रूर आपको, लेकिन वो आपने मैनेज करना। अच्छा उस पर चले आगे जाके बात करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे थोड़े से बाल भी आज ख़राब हो गए हैं क्योंकि अभी मैं बड़ी दूर से मिट्टी में हो गया आ रहा हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश भी नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो मैं पहले आप लोगों से इंटरेक्ट हो जाऊँ, आपसे थोड़ी बात कर लूँ, फिर मैं यहाँ से घर के लिए निकलूँगा। तो घर जाके इंशाल्लाह मैं फ्रेश होकर फिर मैं लेटूँगा तो फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी और प्रॉपर स्टूडियो से यहाँ से मुलाकात होगी। अच्छा बात करते हैं जो खबर एक इतनी इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के, उनके बारे में एक खबर निकल के ये सामने आ रही है कि वो अपने अनफिट हो गए हैं ना। शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ है। अब वो समझ मुझे थोड़ी सी वो ना बात है, जैसे मैंने ये खबर सुनी है तो वो मुझे पीछे से ना वो आकिब जवेद का वो बयान याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि अगर शाहीन पूरी तौर पे फिट नहीं है ना तो अगर आपको उनको बर्डन ही डालना चाहिए कि आप वर्ल्ड कप ज़रूर खेलो। ठीक है, तो वो मुझे थोड़ी सी ये उनकी वो जो उनका स्टेटमेंट निकल के सामने आई थी तो मुझे वो उनका याद आ गया कि जब आकिब जवेद साहब ने ये कहा था कि अगर शाहीन पूरा फिट नहीं है तो आप उनको ना खिलाओ, फ़खर जमान अगर पूरा फिट नहीं है तो उनको भी ना खिलाओ, आपके पास और उनके रिप्लेसमेंट और भी अच्छी हैं, वहाब रियाज़ हमारे पीछे बैठे वो लाइन में लगे हैं और भी मीर हमज़ा, यानी कि बड़े बड़े और भी हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर चुके हैं, उनको भी चांस मिलना चाहिए, उनको भी आखिर वो हमें जब नए आजमाएंगे तो हालांकि उनको छोटी सीरीज़ में हमें लेके जाए, जैसे हम नीदरलैंड में गए थे वहाँ पर हमें मीर हमज़ा को साथ लेके जाते हैं, वहाँ पर हम आजमाते हैं उनको। वसीम जूनियर की अब बड़ी जगह मुझे लग रहा है कि अब जो अगला मैच पाकिस्तान खेल रहा है उस पर वसीम जूनियर बड़ा अहम रोल अदा करेंगे अब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के लिए, क्योंकि उन्होंने अब प्रॉपर उनको शायद ये स्टांस मिल भी गया होगा, अभी खबर पूरी निकल के सामने नहीं आई, अभी पूरी खबर वो ऐसे निकल के सामने नहीं आई जिसपे हम कहें कि पाकिस्तान ने जो अभी ऑफिशियल तौर पे ये खबर निकल के सामने, लेकिन ये अंदर के ज़राए और सोर्सेज से जो खबरें निकल के सामने आई हैं मैं वो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेके कि इस तरह की जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं शहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए हैं तो अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी जिस तरह वो बॉलिंग की अपने रिदम में नजर नहीं आया, पहले दो स्पेल उन्होंने अपना पहला स्पेल इतना अच्छा किया और जब दूसरे स्पेल पे आए तो उन्होंने वहाँ पे मार खाई, तो वही कल शाहिद खान अफरीदी जो उनके सुसर हैं वो एक टीवी चैनल पे बैठते हैं, वहाँ पे उन्होंने बात भी की इस बारे में कि शहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा अपने देखना चाहिए, अपनी अगर प्रॉब्लम है तो टीम मैनेजमेंट के साथ बात करनी चाहिए उनको कि वो किस तरह अपने आप को यूटिलाइज़ करेंगे इस वर्ल्ड कप में, उनको मेन मैचेस खिलाने चाहिए अगर इस तरह के जो हैं जिम्बाब्वे नीदरलैंड इस तरह के मैचेस जो हैं, बांग्लादेश में भी आप उन्हें आराम करवा सकते हैं क्योंकि ऐसे फिक्चर्स जो हैं क्योंकि इतने बड़े मैचेस हमारी नज़रों में नहीं है, इनमें आप शहीन शाह अफरीदी को आराम करवा के वसीम जूनियर को आप चांस दिए और आपके पास इतना अच्छा पेस बॉलिंग अटैक और इतना अच्छा अटैकर है यहाँ पर हारिस राउ, आप उनको प्रॉपर चांस है वो पूरे मैचेस खेलें और अपनी टीम को परफॉर्म करके दें, वो ऑब्वियसली टीम का हिस्सा भी तो होंगे। उस बार नसीम शाह वो अपनी 140 प्लस बॉल करते हैं, उनके पास लाइन और लेंथ और पेस बहुत अच्छी है तो वो भी तो करेंगे, अगर शहीन शाह अफरीदी को बीच में आराम करवा के अगर कोई मेन मैच में जैसे साउथ अफ्रीका का मेन मैच है हमारे ग्रुप में तो उनके साथ हम उनके सामने हम अपनी टीम को वहाँ पर शहीन शाह अफरीदी को यूज़ कर सकते हैं। चले अब जिस तरह ये बीच में स्टांस इनका निकल के सामने आएगा पाकिस्तान ऑफिशियल्स का तो क्रिकेट जिस तरह वो अपने कोई ना कोई अपडेट करेंगे तो वैसे उस अपडेट के साथ आपके साथ खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाएंगे और दोबारा इस पर बात भी करेंगे।
अच्छा, और जो दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है उसमें बात करते हैं, फखर जमान फिट हो गए हैं, हो सकता है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको खेलते हुए नज़र नहीं आया। शान मसूर को आप किस तरह ड्रॉप करेंगे, जिस तरह ओपनर नाकाम हुए, शान मसूर ने थोड़ी इनिंग नीचे से बिल्ड की, उन्होंने थोड़े इफ्तिखार के साथ मिलकर हिटें खेली और थोड़े गैप्स वगैरह खेले, तो वो आप उनको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है हैदर अली की जगह आपको फखर जमान को टीम में खेलते हुए नजर आए, क्योंकि हैदर अली पता नहीं क्या उनको अपने स्किल्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको अब नेट्स में जाना चाहिए, अब उनको डोमेस्टिक में थोड़ा सा भेज दें, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें फिर आएँ आप टीम में। अब इतना बड़ा वर्ल्ड कप, आप इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आपने हैदर अली को पिक तो कर लिया, हैदर अली बेशक अच्छा टैलेंट है लेकिन उनको अभी यूटिलाइज करना है, अभी वो जिस तरह डोमेस्टिक में प्रॉपर मैचेस नहीं खेलते, जब वो टीम के साथ ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो वो इनको बड़ा प्रॉपर यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अभी वो हैदर अली को अब हो सकता है अब यही एक एक जगह नज़र आ रही है जहाँ पे हैदर अली को बाहर बिठा के उनको चांस मिले फखर जमान को, क्योंकि फखर जमान फिट, अब यही तो खबर निकल के सामने यही है कि फखर जमान फिट हो गए, तो फिट इस तरह क्योंकि अब वो प्रैक्टिस आ जाए तो ये कल के प्रैक्टिस सेशन में और भी क्लियर हो जाएगा, जब प्रैक्टिस सेशन के लिए टीम आएगी तब पता लग जाएगा कि फखर जमान किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रॉपर उस पर हम कल इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे जो भी प्रैक्टिस सेशन से जिस तरह भी वो खबर निकल के सामने आएगी। और अगला जो हमारा मैच है वो उस पर बात करते हैं, जो पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे है, पता नहीं अब ये मैच पे हम क्या तबसरा करें और क्या हम इस पर अपने व्यूज़ दें और क्या अपने रिव्यूज़ लें, तो क्योंकि पाकिस्तान को पता है ये मन हैंडली मैच है, लेकिन जिम्बाब्वे वैसी टीम नहीं है कि अगर ये अगर इनका दिन अच्छा है तो ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बेशक इनकी कमज़ोर टीम नज़र आती है कि इनके 20% चांस होंगे पाकिस्तान के 80%, लेकिन 20% भी अगर चांस होंगे तो ये पाकिस्तान इनकी टीम को ये कभी भी मैच में आपको टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम लड़ना जानती है, उनको पता है कि हमने कौन सी अपनी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है और कौन सी बैटिंग को अपनी अपने यूटिलाइज करना है, उनके अगर बैट्समैन में से ऊपर से कोई भी खड़ा हो गया तो पाकिस्तान के बॉलर की धज्जियाँ उड़ा देंगे, और वैसे भी जितना मर्जी कर लें कि जिम्बाब्वे ये है कि एक ठीक है प्रॉपर टीम तो नहीं है ना पाकिस्तान के सामने, जिस तरह पाकिस्तान ठीक है एक मैचेस खेलते हुए आ रहा है और जिस तरह वो पाकिस्तान के जितना मोमेंटम एक्सपीरियंस है और जिस तरह वो है उनके सामने जिम्बाब्वे टीम है तो कुछ नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप में कुछ भी T20 गेम कहते किसे हैं इस चीज़ को कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के साथ है 27 अक्टूबर को, इंशाल्लाह उस पर हम जब करेंगे जैसे वो मैच पास आ जाएगा उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद और जो खबर निकल के सामने आई है वो यही आई है कि पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल तो कर लिया बॉर्डर की तरफ, आज उन्होंने आराम किया जाके वहाँ पे, अब आराम करने के बाद कल दोबारा स्टार्ट होंगे, और जो कल की कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें मैं पहली वीडियो में बात नहीं कर सकता, मेरे थोड़ा स्किप हो गई थी वो न्यूज़, कंट्रोवर्सी चल रही है जो विराट कोहली के जो कहने पे जो नो बॉल है, विराट कोहली के कहने पे अंपायर अंधे तो नहीं है, हम मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आते, हम क्यों नहीं इस तरह कहते कि हमारी ये जहाँ पे बाबर आजम ने कैप्टनसी में थोड़ा लूज़ किया है, सकलैन मुश्ताक ने मुझे यही जो सोर्सेज से खबर निकल के सामने आई है वो यही है कि सकलैन मुश्ताक के कहने पर खिलाया गया है, नवाज़ को एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाया गया है, जो भी यानी कि नवाज़ और शदाब प्रॉपर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेदर कंडीशन थी वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर के साथ जाया जा सकता था, तो सकलैन के कहने पे एक वसीम जूनियर को बाहर करके तो नवाज़ के साथ जाया गया था, तो नवाज़ वही बैटिंग ऑप्शन भी देते हैं, वो बैटिंग ऑप्शन के साथ जब मर्जी तीसरे या चौथे नंबर पे आते हैं तो वहाँ पे भी आके अच्छा करते हैं, तो ये एज उनको मिला और यही उन्होंने करके जिसकी वजह से उनको चांस मिला और उन्होंने वो वैसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाए अपने आप को, तो मैच हमें हरवा दिया, लॉस करवा दिया। चले वो नवाज़ पे हम पर्सनल अटैक नहीं करते, नवाज़ साहब कोई पूरी टीम एफर्ट होती है, जिस तरह भी कोई भी हो जाता है कोई ना कोई मिस, नवाज़ ने अपनी तरफ से तो हर कोई यही चाहता है कि हम टीम के लिए परफॉर्म करें और इतने परफॉर्मेंस करके इस तरह ये जगह बनती है, ऐसे नहीं बनती, तो हर कोई ये तो यही चाहता है कि हम परफॉर्म करें और अपने लिए अपना नाम बनाए, अपनी टीम का नाम बनाए, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, लेकिन वो कभी होता है बैड डे होता है, तो वो नवाज़ साहब देखे पिछले जैसे इंग्लैंड सीरीज़ में बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ जैसे एशिया कप में बॉलिंग कर, तो वो बड़ा अच्छा रिदम में थे, लेकिन वो होता है ना कि कभी हो जाता है एक दिन बुरा गुजर जाता, तो वो हमें फैंस को समझना भी चाहिए, मैंने इतना क्रिटिसाइज़ नहीं किया फिर भी बाकी चैनल में देख रहा था काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ICC के न्यू रूल्स हैं जो लोग कह रहे थे कि बोल्ड होने के बाद भी वो हो गया वो रन लेना शुरू हो गया, तो वो आपके एक्स्ट्राज में जाते हैं, क्योंकि ICC का न्यू रूल है कि अगर आप बोल्ड हो जाते हैं
तब वो आपके अगर वो बॉल चला गया अगर तो आप उस पर रन बना के जो भी बनाते हैं वो आपके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में जाते हैं। हालांकि रिजवान ने पीछे आवाज मारती डेड बॉल, तो डेड बॉल अभी हालांकि विराट कोहली देख ले उन्होंने अपने पूरा चांस लिया और उन्हें पता था कि मैंने रूल्स पढ़े हुए हैं, उन्होंने रूल्स पढ़े थे तो उन्होंने देख लिया यूटिलाइज किया वहाँ पे। और कितने वो देख लें प्रेजेंट माइंड थे वहाँ पे, उन्होंने प्रेजेंट माइंड के साथ वहाँ पे पूरा अपने आप को यूटिलाइज किया और पूरे अपने प्रेजेंट माइंड के साथ वहाँ पे तीन रन बनाए, तो वो बड़े क्रूशल रन थे। अगर वो ना बनाते तीन रन वहाँ पे, वो शहीशा अफरीदी जो भाग रहे थे बॉल के पीछे वो भी डेड बॉल का नाम सुनकर वो भी हालांकि वहाँ पे दो रन बन सकते थे। लेकिन फिर भी चले, वो एक बैड डे था पाकिस्तान क्रिकेट का, हम सब फैंस के लिए वो एक बैड डे था, तो उस बैड डे को अब भुला के हमें आगे की तरफ देखना है। और वो नो बॉल नहीं थी क्योंकि पहले जो बॉल जिसपे निकल के विराट कोहली आगे आगे हिट मारी थी वो भी छक्का गया था, जो आसिफ अली से पकड़ा नहीं गया था और लेग पे बाउंड्री हुई थी यानी कि छक्का हुआ था, तो वो अंपायर ने नहीं दिया क्योंकि विराट कोहली अपने क्रीज से बाहर आ गए थे। और जिस तरह आप देख रहे थे कि जो जो ये पिक्चर आई हुई है सोशल मीडिया मीडिया पे जो गर्दिश कर रही है, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है अभी तक, आज के दिन भी मैं सुपर टाइम देख रहा था कि टॉप ट्रेंड था कि नो बॉल है ये इस तरह थी, आपने नो बॉल गलत दी, अंपायर ने चीटिंग की, अंपायर ने वो अगले जब वो बॉल कर वो दे रहे एक 19 से 20 का भी फर्क, वो उनका जो पाँव है पिछला वो बिल्कुल क्रीज के यानी कि लाइन पे है, तो वो लाइन पे होते हुए जब उन्होंने हिट मारी है तो फिर वो थोड़ी सी वेस्ट के बराबर में आ रही है, वेस्ट के थोड़ी सी यानी कि इस तरह लेंथ पे आ रही है, तो इस वजह से वो अंपायर ने वहाँ पे नो बॉल दी। विराट कोहली कहने पे क्यों दी है, वो विराट कोहली नहीं अंपायर, हालांकि थर्ड अंपायर भी बैठे होते हैं, ये थर्ड अंपायर अब बीच में कर सकते हैं इंटरफेयर कर सकते हैं, उन्होंने इंटरफेयर किया भी है, उन्होंने वो बाबर आजम को इशारा करते थे, मुझे माइक से सुनाई दिया गया उन्होंने थर्ड अंपायर ने नो बॉल दो, तो वो इस तरह का कोई सिनेरियो बना होगा। हालांकि इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह के मैचेस में कोई ना कोई तो काम होता है, हालांकि रिव्यू वगैरह लोग कह रहे रिव्यू लेते हैं ये, लेकिन वो एक नो बॉल ही थी क्योंकि नवाज़ को चाहिए था, क्यों इस तरह नो बॉल की, नवाज़ को चाहिए था कि बस प्रॉपर आप बॉलिंग करते, लेंथ पे रखे जोरगर लेंथ पे रखे हल्के से बस पैड से थोड़ा सा पास करते और देखते फिर रिटर्न ही लगने थे। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं जितनी क्रिकेट खेलता हूँ अपने मुझे तो यही है कि भाई हमें इतना पता है, बाकी जो इंटरनेशनल लेवल है वो उनको ज़्यादा पता होगा कि किस तरह वो खेलते हैं, लेकिन मैंने जो वो बस यॉर्कर लेंथ पे मैं फास्ट बॉलिंग करते हूँ, ये यॉर्कर लेंथ पे शहीशा अफरीदी को हिट पड़ी है कवर पे, लेकिन क्या हुआ वो फिर दोबारा उन्होंने अपनी आजमाई नहीं यॉर्कर लेंथ क्योंकि उन्होंने कह दिया भाई मुझे यहाँ पे हिट लग गया मैं दोबारा नहीं करूँ, तो उन्होंने वहाँ पर स्लो बाउंसर किया था वो सामने स्टेट का, तो वो बस कल का हमारा दिन कुछ इस तरह का था जो हम नहीं कर सकते यूटिलाइज, तो इंशाल्लाह अब आगे के दिन की तरह देनी है और आगे के हमने देना है। अब न्यू कम्बिनेशन है, अब देखते हैं न्यू कम्बिनेशन अब शहीशा अफरीदी के साथ बनता है, अब वो जैसी खबर निकल के सामने आती है तो उस पर बात करेंगे, क्योंकि शहीशा अफरीदी के खबर अभी यही जो सोर्सेज कन्फर्म कर रहे हैं या थोड़े बहुत जो अंदर की खबरें हैं वो यही निकल गया, शहीशा अफरीदी अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे, तो वो उन्होंने टीम मैनेजमेंट से बात की है, तो थोड़ा बहुत ही अंदर से खबरें जो निकल के सामने है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, फिर चलो और निकल के सामने आएगी तो पता लग जाएगा 27 अक्टूबर तक कि कम्बिनेशन कौन सा पाकिस्तान उतार रहा है। और मेरा ख्याल है वसीम जूनियर की यहाँ पे वापसी हो रही है, नवाज़ को थोड़ा सा कहेंगे कि आप नवाज़ या हो सकता है कि उनका मोराल और बूस्टअप करने के लिए उनको दोबारा मैच दिया जाए, तो इस पर इंशाल्लाह सुबह दोबारा बात करते हैं, दोबारा कोई ना कोई खबर निकल के आएगी सामने तो इंशाल्लाह उस पर दोबारा बात करें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और जल्दी जल्दी बेल आइकन को जरूर दबाना आपने, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये शो आया होगा पसंद, अगर आया पसंद तो आपने जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है मेरी वीडियो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अभी रात का टाइम है आपने सोना होगा, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी आपने देख के सोना, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर सुबह दोबारा मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।